नेशनल हेराल्ड मामले में भी समन कर दिया है, और यहां पर भी कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो आपको लग रहा है ईडी मिसयूज हो रही है जी, क्योंकि यहां पर भी केजरीवाल वाले मामले में भी सत्येंद्र जैन और आप, यहां पर भी तहसीन जी। ईडी का मैंने नया नाम रखा है एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और इसकी मैं आपके दर्शकों को वजह ये देना चाहता हूँ कि ईडी डायरेक्टर का सुप्रीम कोर्ट का रिटन जजमेंट है, रिटन जजमेंट कि जो मौजूदा ईडी डायरेक्टर है इसका टेन्योर बढ़ाया नहीं जाएगा। इसके बाद 12 सांसदों को सस्पेंड करते इलीगली राज्यसभा में, और इसमें देश के उपराष्ट्रपति, वाइस चेयरमैन ऑफ द हाउस शामिल थे, उनको सस्पेंड करते ईडी डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ाया गया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये गलत हो रहा है इस देश में, देश के आपके दर्शकों को जानना चाहिए। मैं आपके दर्शकों के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर मार्च 2020, सारे आंकड़े अमित शाह जी ने दिया है, तो मैं आपको बता दूं 2014 से लेकर 2020 में तक 1000 ने 27 रेड किए, जिसमें ईडी का कन्विक्शन महज 23 है। सीबीआई का बता दूं, जब से मोदी जी बने 121 पॉलिटिकल केसेस उन्होंने दर्ज किया, 51 सिटिंग या फॉर्मर एमपीज पर, और 45 में आज तक उन्होंने चार्जशीट भी फाइल नहीं की, कन्विक्शन जीरो, मोदी जी के इकोनॉमिक के नॉलेज की तरह जीरो। अब आते हैं इस मौजूदा केस में, जिस केस में 2015 ईडी ने खुद इस केस को बंद किया, और मैं बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ दूसरे चैनल पे था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा वो ईडी ने अरुण जेटली जी के प्रेशर में ये बंद किया। तो अगर ईडी अरुण जेटली जी के प्रेशर में चलती है, सुब्रमण्यम स्वामी इनके एमपी ने कहा, बाकी सारे चैनल पे अगर आपने बुलाया आप देख लेना, तो फिर क्या ईडी एक केज पैरेट है, क्या एक टोटा है, ये क्या है ईडी? ये खुद इनके एमपी कहते हैं उनके प्रेशर में बंद किया, जिस केस को ईडी ने बंद किया इसे वापस शुरू किया, इसलिए क्योंकि इनको इकोनॉमी पे बात नहीं करना है। ठीक है तहसीन, एक मिनट, मेरे पर बोल दीजिए, केस का जो मेरिट है, नेशनल हेराल्ड, एसोसिएट जर्नल, यंग इंडिया, 90 करोड़ लोन, उस केस के मेरिट पर तो बोल दीजिए, मतलब फिर मतलब घबराना नहीं, 90 करोड़ की नहीं, 1 करोड़ का लोन था, हाँ मतलब वो उसमें फिर बिल्कुल नहीं, 1 करोड़ सच नहीं छिपाना तो जान से क्यों घबराना टाइप, वो वाला उस पर भी एक बार बोल दीजिए फिर, क्योंकि उसमें तो जांच हो रही है ना, वो गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जांच बिल्कुल नहीं घबरा रहे, ईडी में जाएंगे, सामने उनका मुकाबला करेंगे और दोबारा से केस बंद होगा। ये तो आपने मौका दिया है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, यहां आकर हम अपनी बात रख सकते हैं, डट से रखेंगे, क्यों डरना है इनसे, डरना है ये भारतीय जनता पार्टी से, 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा, 10 सेकंड, ये भारतीय जनता पार्टी से डरना है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरा पे पकड़े गए घूस लेते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या हुआ येदुरप्पा जी का, क्या हुआ बेलारी ब्रदर्स का, क्या हुआ शिवराज सिंह चौहान का, मैं तो प्रार्थना करता हूँ शिवराज सिंह चौहान काश कांग्रेस में होते, वो 40 लोग जिन्होंने व्यापक में आत्महत्या किया, कम से कम उनको थोड़ा सा इंसाफ तो मिलता। आज पहली बार हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बोल रहे हैं, अब आप नहीं बोलेंगे, बोलिए आप शहजाद। देखिए ऐसा है, भ्रष्टाचारियों के वैसे भी बीच में कोई नहीं बोलता, उनके ऊपर सीधा कार्रवाई होती है, तो मैं आज बोलता हूँ कि देखिए आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड करप्शन है, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी है, और ये ऑल इंडिया करप्ट कमेटी बाय द वे आपको बता दूँ 2 बार गई थी कोर्ट कि हमारा ये जो मामला है खारिज कर दो, इनकम टैक्स का जो रीअसेसमेंट ऑर्डर है दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसको नकारा, खारिज नहीं किया, कहा कि आप भ्रष्ट हो इस पर तो कार्रवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। तो आप मुझे बता दीजिए, जो आप कह रहे हैं ना ईडी ने इस केस को बंद करवा दीजिए दिया है, मुझे ऑफिशियल ऑर्डर बता दीजिए, कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं, ऑफिशियल ऑर्डर बता दीजिए। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए आज क्या मॉडल किया गया, ये मॉडल क्या है कि जनता का माल सोनिया राहुल के जेब में डाल, 2000 करोड़ रुपए की एजेएल की संपत्ति जो भारत के लोगों की संपत्ति थी, ये किसी की बपौती नहीं थी, ये न्यूज पेपर चलाने के लिए थी, परंतु एक यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पज व्हीकल को क्रिएट करके 50 लाख रुपए देकर पार्टी से 90 करोड़ का लोन, पार्टी किसी को लोन दे सकती है क्या, पर इन्होंने लोन दिलवाया पार्टी से 50 लाख में, पैसे पूरी कंपनी को अपने नाम कर दिया, और फिर 2000 करोड़ की संपत्ति और उससे जनरेट होने वाली आय अपनी जेब में डालने का काम किया, और यह कोई पहला नहीं है, 90 करोड़ का लोन था 50 लाख में कंपनी ने उसको टेक ओवर कर दिया और उसके साथ इनको मिला 2000 करोड़ की संपत्ति। अब सुब्रमण्यम स्वामी को कोट कर रहे थे, वैसे सुब्रमण्यम स्वामी हमारा सांसद नहीं है, परंतु अगर तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी की इतनी बातें या अच्छी लगती है तो स्वामी ने इसी मामले में तो कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी सबसे भ्रष्ट है, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो बेल पर बाहर है, तो ये बेलधारी है, तो आप बताइए कि बेलधारी नेतृत्व है आपका और जेलधारी होने को है। पर तीसरी बात में देखिए आज कितने सहयोग की बात है कि दोनों भ्रष्टाचार की बहनें हमारे साथ पैनल में बैठी है, एक है तहसीन पुनाला भ्रष्टाचार बहन नंबर 1 और दूसरा है रवि श्रीवास्तव भ्रष्टाचार की बहन नंबर 2। ये भ्रष्टाचार की बहन नंबर 2 से मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्कुरा रहे, ये आपके तोमर है ना, तोमर
ये तोमर जो लॉ मिनिस्टर पकड़ा था उस समय पर केजरीवाल ने बोला था, अब सुनिए बहुत मजा आएगा आपको, सुनिए जरा, मैं वीडियो क्लिप लाया हूँ केजरीवाल की, आप सुनिए आपको पसंद आएगा। कि दफ्तर से उनका जो जवाब है वो जवाब पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे कि वो निर्दोष है। वो पूरा जवाब हम लोगों ने मीडिया वालों के पास भेजा लेकिन किसी भी मीडिया ने नहीं चलाया, तो उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। और एक छोटा सा जैसे उदाहरण देता हूं, पहले उन लोगों ने उसकी शायद, तो समझ गए, ये इस तरीके की जांच आपके भ्रष्टाचार बहन नंबर टू ने किया था तोमर के मामले में, फिर वो जेल गया तब उनको निकालना पड़ा। ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्ट है और कट्टर करप्शन को डिफेंड करते हैं। बताइए रवि जी, इस प्रकार की जांच की क्या भ्रष्टाचार बहन नंबर टू ने इस प्रकार की जांच की है इस मामले में भी? रवि जी, पार्टी अगर आज देश में किसी से डरती है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है। हाँ, नोटा से आप चुनाव लड़ रहे हैं नोटा के खिलाफ, हम तो बहुत डर गए भाई, नोटा को आपने हराया कहीं पर और कहीं पर नोटा से हार गए, गुजरात में नोटा से हारे, हिमाचल में नोटा से हारे, उत्तर प्रदेश में नोटा, कितने वोट मिले उत्तर प्रदेश में? मनीष सिसोदिया बोल रहे थे अगला मुख्यमंत्री रवि श्रीवास्तव को बनाने वाले, कितने मिले? डिबेट में डिबेट हो जाता गोल पोस्ट। रवि भाई एक मिनट काम करते हैं, सवाल लेते हैं रवि श्रीवास्तव, ऐसे ना मैं तहसीन के पास भेजाऊंगा, शिवम रवि भाई सवाल लेते हैं, मैं एक सवाल ले रहा हूं वैसे आपसे, जब एक नेता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट 2019 के ऑर्डर में पुष्टि करता है कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो क्या उस नेता को मंत्री बनाए रखना चाहिए एथिकली, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी? आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना भाई, आप तो अब बात रखिए, आप बताइए कि जब एक नेता का नाम दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर में आ रहा है कि इस नेता ने मनी लॉन्ड्रिंग की, ये ऑर्डर में है, तो क्या उनको रिटेन करना चाहिए मिनिस्टर पोस्ट पर, हाँ या ना? वो पार्टी जो ईमानदारी की पराकाष्ठा है, मतलब बिल्कुल ईमानदारी की पराकाष्ठा है, और जो पार्टी के नेता हैं वो समझते हैं कि इस तरह के आदेशों का क्या मतलब होता है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या? या आप ये कह रहे हैं अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं? नहीं, क्या दिल्ली हाई कोर्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है? आप ये कह रहे हैं भाई दिल्ली हाई कोर्ट तो पार्टी नहीं है ना, दिल्ली हाई कोर्ट तो बीजेपी नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जुडिशरी पर सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, और कब मैं अकेला तो उठाने वाला नहीं हूँ, पूरे देश में उठते हैं जुडिशरी पे सवाल, लोग चाहे हायर कोर्ट पे जाते हैं, लोगों को वहां से न्याय मिलता है, पर सवाल आप उठा रहे हैं, और अगर वहां पर आप सवाल उठा रहे हैं तो फिर मैं क्या गलत किया है? फिर इसलिए कीजिए, आप लोग जज हैं, फिर आप ही लोग तय कर लीजिए, ट्रायल कर लीजिए, जज हो गया, फैसला हो गया, बात खत्म। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पर क्यों कार्रवाई करी? देखिए नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में है ना, सिग्नल चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है शिवम। देखिए मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा वो शायद इसलिए भी नहीं करना चाहते, अच्छा आ गया, बहुत शानदार बात, इन्फ्लुएंस हो जाता है भाई, मतलब नहीं कोर्ट इन्फ्लुएंस अगर ये कहेगा आदमी तो इसके बाद तो कोई बात नहीं होगी, मुझे लगता है उसके बाद तो सिर्फ भगवान के पास ही आप जाएंगे कि भाई ठीक है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक हर आदमी ईमानदार है अगर आप जज को भी नहीं मानते। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 2016 का कोर्ट ऑर्डर छोड़ दीजिए, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर इनके नेता लगातार गिल्टी पाए गए हैं, लेकिन ये कट्टर ईमानदार हैं। खैर मेरे लिए, मेरे पास इनके लिए सिर्फ एक ही लाइन है, व्हाट अ फॉल, मतलब ये ईमानदारी का चोला इतनी जल्दी उतर जाना था, ये देश को भी उम्मीद नहीं थी। वो भी तो सवाल है ना, फिर चार साल से ईडी सो रही थी, नहीं मुझे मतलब 18, एक मिनट सुनिए, 18 में आखिरी बार पूछता है, 8 बार पूछता है, 18 से लेकर 22 तक कुछ होता नहीं, 4 साल बाद अचानक से सीधा गिरफ्तार, मतलब सीधा गिरफ्तारी की नौबत आई, मुझे ऐसा क्या मिल गया? नहीं मुझे लगता है कि ईडी को भी तो कोर्ट में जाकर प्रूफ करना है ना, ईडी तो ये नहीं कह के बच जाएगी कि जो जज साहब है वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड है और किस तरह के तमाम ऑर्डर्स ऐसे रहे हैं, तो ईडी को तो प्रूफ करना है, और मुझे लगता है कि अगर उनको जाकर इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्वाइश करा लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल डाल लेते, लगातार इन्वेस्टिगेशन हुई है 3 बार तो पहले पर शिवम आप समझे नहीं, शिवम आप समझे नहीं, अमन जी कह रहे हैं, अमन जी कह रहे हैं कि संजय सिंह चाह रहे थे कि ये तो भ्रष्ट आदमी है ही, तुरंत इसको पकड़ना चाहिए था, ये चाह रहे थे रवि जी, क्या ऐसा है संजय सिंह का इतना बड़ा उनसे अगर इतनी दुश्मनी है तो मुझे नहीं पता इनके, और मैं बस चाह रहा था अगले दिन पकड़ के एक बार मैं कांग्रेस के दल को ले जाए, कांग्रेस पे 10 सेकंड और सिर्फ चाहूंगा अमन जी, इंपॉर्टेंट बात यहां पर रवि श्रीवास्तव, उसके बाद कांग्रेस पे जाइएगा, रवि रवि भाई बोल लीजिए, रवि भाई बोल लीजिए ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बहुत ही गलत तरीके से हुई है, क्योंकि पहले हो जाना चाहिए 11 बजे, आप कह रहे हैं कि पहले ही उसको कॉलर पकड़ के ले जाना चाहिए था, और शाम को 6 बजे अरेस्ट किया गया, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने तो जनवरी में ही कह दिया था कि ये तो अरेस्ट करने वाले, तो हिमाचल के प्रभारी मार्च में बने,
तो फिर हिमाचल के लिए कैसे हुआ वो बताओ। समन देना चाहिए, समन दे के बुलाना चाहिए, अगर गिरफ्तार भी करना है रवि जी आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ये कोई बेस ही नहीं है। आपके नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है 22 जनवरी को उन्होंने कहा था ये कहते हुए कॉन्फ्रेंस करके कि सत्येंद्र जैन को जो है जेल डाला जाएगा, हमें अपने सूत्रों से पता चला है। सही बात है, शहजाद जी ने अभी कहा कि तब तो प्रभारी भी नहीं थे, चुनाव भी आसपास नहीं था। एक ही है सत्येंद्र भाई, सत्येंद्र जैन ने खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरी इस इनकम अनकाउंटेड इनकम पर टैक्स लगाया जाए। 2016 इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो थी सेंटर की, उसमें उन्होंने खुद डिक्लेयर किया था 16.39 करोड़ पर किस पर टैक्स लगा दिया जाए, ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था, वो खुद माना था उन्होंने। रवि भाई हम जिसको आप बचा रहे हैं वो खुद कह रहा था कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग 16 करोड़ की हुई है, वो खुद कह रहे हैं। अब मैं तहसीन के पास जा रहा हूं, अब मैं तहसीन के पास नहीं 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 पांच सेकंड। ये बीबी वन है ना, भ्रष्टाचार बहन वन, ये कह रही है कि जो सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हुई ये सही है, हमारे पे कार्रवाई गलत है, और वो वाले कह रहे हैं इन पर कार्रवाई सही है हमारे पे गलत है। ये दोनों बहनों का बहुत अच्छा मिलन है। वाला 90 करोड़ लोन, कांग्रेस पार्टी, पार्टी कैसे देगी लोन, उस केस में कोई मेरिट नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं इसे परेशान करने के लिए कर रही है ईडी? बिल्कुल मेरिट नहीं है, केस आगे नहीं जाएगा। और शहजाद की इकोनॉमिक नॉलेज यही ना, बहन भाई इसी चक्कर में भाजपा ने देश को पीछे ले गया। इकोनॉमिक नॉलेज पे मुझे हंसी आ रही है। ठीक है, सवाल ये है कि जो उन्होंने बात रखी आपके सामने बिल्कुल गलत रखी, जो फैक्ट्स है इतने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फैक्ट्स नहीं पता। जो ईडी इंक्वायरी कर रही वो 1 करोड़ के लोन के ऊपर कर रही है जिसको 14% का इंटरेस्ट से पे कर दिया गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। 90 करोड़ की जो लोन की बात कर रहे हैं वो लायबिलिटीज है, लायबिलिटी एक नई कंपनी 50 लाख पेड अप कैपिटल फॉर्म करते एक नई कंपनी ने लायबिलिटी टेक ओवर किया है। ये बेसिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी को कहां से आएगी, जिस पार्टी सोचती है कि -23.7% जब जीडीपी गिरता है तब देश प्रगति करती है और फिर 8% बढ़ता है 23 मई से तो कहते कि अरे देश आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है। उनको इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो देश इस हालत में है कि बेरोजगारी सबसे चरम पे बेरोजगारी है। तो डाइवर्ट करने के लिए ईडी अपना निकाल रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके पास और है क्या टेक्निकल नॉलेज? कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कोई पार्टी लोन दिया 90 करोड़ का, वो सब ऑन पेपर है क्या? वो ये पूछ रहे ना, ये तो टेक्निकल मेरिट पर सवाल है शहजाद। बिल्कुल है, एक सेकंड, ऐसा है तहसीन पूनावाला, एक सेकंड, टेक्निकल तहसीन, क्या आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे रीअसेसमेंट ऑर्डर क्वेश्चन करवाने, और वहां पे क्या हुआ? टेक्निकल तहसीन जरा बताइए हमें। एक है टेक्निकल गुरु और एक है टेक्निकल तहसीन जो अकाउंटिंग बता रहे, जिनका पूरा इतिहास अनअकाउंटेड वेल्थ का है वो अकाउंटिंग बता रहे, जिनका पूरा पार्टी भाई बहन का है वो बोल रहे कि हमें भ्रष्टाचार की बहन मत बोलो। ये देखिए अब बताओ टेक्निकल तहसीन, बताओ कि कोर्ट में क्या हुआ, 15 हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जिस पार्टी के प्रवक्ता हो, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरा पे इसका जवाब दो ना, टेक्निकल तहसीन और एक ही कॉन्वेक्टो उसका अब उत्तर सुन लीजिए, टेक्निकली उत्तर सुन लीजिए। बिल्कुल गए थे कोर्ट में, क्या मिला? इनकम टैक्स का जो सर्वे ऑर्डर था रिजेक्ट, क्या मिला बीच में? देखिए अमन जी मुझे पसंद है, अमन जी मुझे नहीं बोलते उसको, अमन जी मैं उत्तर दे रहा हूं, अगर हैकिंग होगा तो फिर नेक्स्ट शो में पार्टी नहीं, टेक्निकली तमाचा बोलते हो। चलिए एक एक करके शहजाद, एक एक तमाचा, हां तमाचा, तमाचा उसको बोलते, तमाचा उसको बोलते जब गुजरात के गृह बोलता हूं, जब गुजरात के गृह मंत्री भाग जाते हैं, फरार होते और तड़ीपार होते, उसको बोलते। अब आप सुनिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, बात सुन लीजिए, चले हैं लगे हुए हैं, चलिए बोलिए, हो गया आपका कॉमेडी। हां बिल्कुल, इनकम टैक्स असेसमेंट पे कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इनकम टैक्स असेसमेंट में और ईडी के चार्जेस में जमीन आसमान का फर्क है, ये तो आपके दिमाग में बात जारी नहीं। ये केस कहां से शुरू हुआ? आज के चार्जेस है वो है 1 करोड़ का, आप मेरी बात समाप्त होने दीजिए, बीच में हैकल मत कीजिए। 1 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग, वो 1 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग, वो 1 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का जो फेक चार्जेस है उस पर 14% इंटरेस्ट देते, ऑलरेडी भर दिया गया है। पेपर इज ऑपरेटिंग 90 करोड़, लायबिलिटी इज ऑन पेपर 50 लाख का पेड अप कैपिटल है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता किधर है? आपको बेसिक को चाहते हैं, इनकम टैक्स के डिस्प्यूट को आप मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जोड़ते हो, इसीलिए देश का पीछे ले गए, इसीलिए देश को पीछे ले गए। सिर्फ कैमरा पे चंदा लो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और कॉमेडी करो। डायरेक्टरेट को बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होगी शायद।
नहीं नहीं, मैं तो कौन से बेहतर होगी अगर ईडी को मेरिट लगेगा तभी जो है समन जो है पूछताछ के लिए किया गया, हमसे बेहतर तो जहां बोलिए चैनल उसके बाद शिवम। बिल्कुल, मुझे लगता है टेक्निकल तहसीन को, एक सेकंड अब सुन लीजिए, टेक्निकल तहसीन को इतना पता है तो मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जो अभी तक वकालत कर रहे हैं इस पूरे केस में फंसाने के लिए कर रहे हैं, ये टेक्निकल तहसीन को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए था, बिना डिग्री के इतना अच्छा इन्होंने समझा दिया, क्लीन चिट दिलवा दी, तो अभिषेक मनु सिंघवी फंसा रहे क्या? मतलब अभिषेक मनु सिंह भी ये सारे आर्गुमेंट नहीं रख पाए आप जो रख रहे हैं। ये देखिए झूठ की भी एक लिमिट होती है, अब कहां इनसे शुरू करें, आप बताइए ना, कोर्ट में विश्वास है कि नहीं है आपको? वो एक बहन को हाई कोर्ट में विश्वास नहीं, दूसरी बहन को सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं, ये दोनों बहनों को केवल अपने जो उनका माई बाप है उनमें विश्वास है, एक को सोनिया में विश्वास है, एक को केजरीवाल में। उसका उत्तर दे देता हूँ, दस सेकंड में उत्तर दे देता हूँ, दस सेकंड में उत्तर देता हूँ। क्या उत्तर दे? सिली शहजाद, जो इनकम टैक्स का, जो इनकम टैक्स का डिस्प्यूट था वो एक इनकम टैक्स का डिस्प्यूट को आप ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस से कंपेयर करते हैं, जो मैटर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया वो इनकम टैक्स के असेसमेंट ऑर्डर पे था, असेसमेंट क्रिमिनल होता है, इनकम टैक्स का क्रिमिनल। मनी लॉन्ड्रिंग करोगे तो कौन सा चार्ज लगेगा भैया? आप संपत्ति का ना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अपना लोगे, इस पे वो पैसा किसी और को दोगे, टैक्स भरा है और क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा। सिली मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही थी, ये आप जनता का माल जेब। अरे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी 2015 में, केस बंद। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात, 2015 में केस बंद क्यों हुआ? जो आपकी इनकम आई, अब 2015 में केस क्यों बंद हुआ फिर शहजाद? वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कहां केस बंद हुआ है? इनके मन के अंदर, कोर्ट के अंदर केस बंद हुआ है? कोई केस बंद नहीं हुआ है, अगर केस बंद हुआ है तो बता दे कौन सा ऑर्डर है। दूसरी बात मुझे बताइए कि जो इनकम जनरेट हो रही थी, जो एजेएल की प्रॉपर्टीज थी 2000 करोड़ की, उस प्रॉपर्टीज का जो भी इनकम था वो आप कैसे ले रहे थे और उसको आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? अच्छा चलिए, वो बहुत अच्छा प्रश्न, टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल गुरु है ना, तो टेक्निकल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अरे सिली शहजाद ने अच्छा प्रश्न पूछा, आप टेक्निकल जवाब सुन लीजिए। आप जिस ऑफिस में अभी बैठे हो, अमन जी के ऑफिस में, सीएनएन न्यूज 18 के ऑफिस में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफिस टू रन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, वहां अगर कोई उनको रेंट आता है चाय ड्रिंक्स किसी दुकान उसके अंदर, तो एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, और अगर ऑब्जेक्टिव नाउ कम टू द पॉइंट, राहुल गांधी के सेक्रेटरी ने बोला था हमने पेपर शुरू नहीं किया था, क्या बोला था कि नहीं बोला था? आप मुझे बताए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, पेपर कब से शुरू हुआ है? ऑनलाइन पेपर कब से शुरू हुआ है? वेरी गुड पॉइंट, आप अरे आप मुझे बताएं, क्योंकि आपको पता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में पैसे घर ले जा सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में पैसे घर ले जा सकते हैं क्या? उसका उसका लगाया आरोप, तब जाकर हड़बड़ी में एक डिजिटल ऑनलाइन अखबार शुरू किया। आप उसका उत्तर सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, यहां पे हियरिंग थोड़ी ना चल रही है, ये सब तो कोर्ट में होगा ना, ये सब कोर्ट में होगा। 10 सेकंड में उत्तर दे दीजिए, हां बोलिए बोलिए बोलिए, 10 सेकंड में मैं उत्तर, 10 सेकंड 10 सेकंड में शहजाद इतना गलत है फैक्ट्स पे, इतना गलत है। अब देखिए, क्या ये आरोप लगाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का वायलेशन हुआ? ये आरोप लगाए नहीं ना ईडी ने, लगाए ना इनकम टैक्स ने लगाया, यही तो हुआ है, डिस्प्यूट है, नॉट फॉर प्रॉफिट को परिवार का प्रॉफिट बना दिया आपने, तो चाहिए वो भी आप डालिए चार्ज, नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम पर पब्लिक संपत्ति को प्रॉफिट फॉर परिवार कर दिया। तहसीन क्या? तहसीन तो आरोप है, ये एक मिनट, तहसीन नेशनल हेराल्ड मामले के अलावा, तहसीन नेशनल हेराल्ड मामले के अलावा क्या सत्येंद्र जैन मामले में भी आपको लगता है मिसयूज हो रहा है ईडी का? बिल्कुल, मैं कांग्रेस के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, कांग्रेस के जो दिल्ली के लीडर्स हैं उनको बिल्कुल विजन नहीं है, कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों को मैं बार बार कहता हूं, एक आकर ईडी के सामने आपको ईडी को एक तो उनकी परमिशन ले लेनी चाहिए राज्यों में इन्वेस्टिगेट करने की जैसे सीबीआई किए, और सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाना चाहिए, और मैं इस हद तक जाता हूं अगर ईडी के ऑफिसर्स जबरदस्ती गलत गैरकानूनी काम करें तो आपको उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और तीसरी बात, ये जो ईडी डायरेक्टर सेंट्रल एजेंसी स्टेट्स में जांच ही ना कर पाए, सभी ऑपोजिशन लीडर्स को करप्शन की फुल आजादी मिल जाए, बिल्कुल नहीं, ईडी को जैसे सीबीआई का बंद हुआ, बिल्कुल उनको सबको, जगन जी हो, केसीआर हो, केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी हो, बघेल हो, गहलोत हो, सबको अपने फिर वही बात है कि सच नहीं छुपाना तो जांच एजेंसियों से क्यों घबराना भाई? आप चाहते हैं कि सेंट्रल एजेंसी स्टेट में घुस ही ना पाए जैसे सीबीआई को लेकर हुआ है, आप कह रहे हैं ईडी भी राज्यों में ही ना घुस पाए, मतलब करप्शन की फुल आजादी करना होगा। मैं आपको मैं इसका एक और तथ्य दे देता हूँ, मैं इसका एक और तथ्य दे देता हूँ, नारकोटिक्स ब्यूरो का भी का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो का इस्तेमाल हुआ था, आप जानते हो कि इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, आए दिन हमारे देश में ड्रग्स आ रहा है, बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है, रोल ही आप कह रहे हैं कि राज्यों में घुसी ना पाए एजेंसी, ना सीबीआई ना ईडी, मतलब भ्रष्टाचार की फुल आजादी शिवम, कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर से आए, कोर्ट के ऑर्डर से, या तो ये अपॉइंटमेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं सिर्फ इतना कहना